नमस्कार, मैं रविंद्र राणा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के शर्मा जी। डॉक्टर के शर्मा जी प्रख्यात इतिहासकार हैं और मोदीनगर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं इतिहास के। लगभग ढाई दशक से वो इतिहास का अध्यापन कर रहे हैं और वो हमारे समय के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे इतिहासविद हैं जो लगातार पुस्तकों के ज्ञान को, इतिहास के ज्ञान को समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 1857 की जो क्रांति है उसके ऐतिहासिक स्थलों को तलाशने का काम, उस क्रांति से जुड़े हुए गांवों को चिन्हित करके वहां के गांव के लोगों तक इसके किस्से और कहानियां पहुंचाने का काम आप लगातार करते रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। 10 मई 1857 का भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व है। आखिर मेरठ में 10 मई 1857 को ऐसा क्या हुआ था? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैंने इस पर काम किया और कुछ तो भ्रांतियां भी थी मेरठ को लेकर के, हमने उसको भी दूर करने का प्रयास किया। जैसे बहुत सारे लोग अनायास ही ये मान बैठे थे कि 10 मई 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से शहीद मंगल पांडे ने किया, जबकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं है, क्योंकि मंगल पांडे जी ने जो कुछ भी कार्य किया वो बंगाल के पास एक बैरकपुर छावनी है वहां किया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी चढ़ा दिया गया और वो शहीद हो गए। तो इसलिए ये एक भ्रांति सबसे पहले मैं दूर करना चाहूंगा कि मेरठ में जो 10 मई को क्रांति हुई, चूंकि वो 8 अप्रैल को शहीद हो गए थे, तो जो व्यक्ति 8 अप्रैल को शहीद हो गया हो वो 10 मई को कैसे क्रांति का प्रारंभ कर सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो सरकार ने भी पता नहीं क्यों इस बात पे ध्यान नहीं दिया और आप देखते हैं कि मेरठ में मंगल पांडे के नाम से एक महिला महाविद्यालय भी शायद इसलिए स्थापित कर दिया गया, मंगल पांडे नगर बना दिया गया। तो अब ये प्रश्न ये उत्पन्न होता है, अगर मंगल पांडे नहीं थे तो 10 मई 1857 की जो क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई तो वो कौन लोग थे जिन्होंने क्रांति प्रारंभ की? ये एक ऐसा प्रश्न है जो शायद अभी तक बहुत लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया है। तो मैं आपको क्रांति की घटनाओं से एक माह पूर्व ले जाना चाहता हूं, यानी कि 10 मई से लगभग एक महीना पहले 10 अप्रैल का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 10 अप्रैल को मेरठ में एक साधु फकीर जिसे कह लें वो मेरठ में प्रवेश करते हैं और मेरठ का जो सूरज कुंड है, आपने देखा होगा सब लोगों ने सूरज कुंड है, वहां मनोहर नाथ मंदिर भी है, वहां आकर के एक साधु 50-60 उसके शिष्य होते हैं, उनके साथ हाथी होते हैं, उनके साथ घोड़े होते हैं, रथ होते हैं, 50-60 लोग वो आकर के ठहर जाते हैं। साधु का आना कोई विशेष बात नहीं है हमारी संस्कृति में, ये सदैव विचरण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, परंतु विशेष बात उस साधु के साथ यह थी कि जब वो सूरज कुंड पर आते हैं तो उनसे जो मिलने वाले लोग हैं, उनसे जो मुलाकात करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो सामान्य नागरिक नहीं है। सामान्य नागरिक तो है, उसके अलावा जो मुख्य रूप से लोग हैं वो हैं जो कि अंग्रेजी सेना में भारत के लोग सिपाही के रूप में भर्ती हैं, यानी जो भारतीय सिपाही हैं उस समय कंपनी की सेना में, वो मिलने आते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न हुआ कि भाई वो कौन साधु था, क्या था, यद्यपि अभी भी इतिहास उनके विषय में मौन है कि वो साधु कौन थे, परंतु उनके आने के बाद मेरठ में एक सुगबुगाहट प्रारंभ होती है। मेरठ की जो बैरक है छावनी की, वहां अचानक 10 अप्रैल को वो आते हैं, 13 अप्रैल को अचानक आग लग जाती, तो ऐसी कुछ घटनाएं घटने लगती। तो मेरठ का जो मजिस्ट्रेट है वो ये ऑर्डर करता है कि भाई क्यों इनसे सिपाही मिलने आ रहे हैं, परंतु वो गंभीरता से नहीं लेते इस विषय और वो कहते हैं कि भाई इस साधु का डेरा यहां से हटा दिया जाए। जो सदर का कोतवाल था वो जाता है उनके पास और उनसे कहता है कि आप अपना यहां से डेरा, वो डेरा तो वहां से हटा लेते हैं, परंतु वो ये जानने का कोशिश नहीं करते कि वो डेरा आखिरकार गया कहां, वो साधु गए कहां। जब ये क्रांति हो गई उसके बाद एक विलियम हुए हैं, उन्होंने एक नैरेटिव लिखा है 1857 पर 58, तो उन्होंने उसमें लिखा नैरेटिव में मेजर विलियम्स ने कि एक सदर का एक ब्राह्मण है, वो ये कहता है, सादर उसका नाम है,
वो ये कहता है कि साहब इस तरह से साधु एक आए थे, यहाँ सिपाहियों की लाइंस में रह रहे थे और 10 मई से कुछ समय पहले यहाँ आए थे और उनके साथ 20-25 लोग, यानी कि वैसे तो उनके साथ 50-60 लोग थे, पर जब वो लाइंस में आकर के रहने लगे यानी कि उन्हें वहां से हटा दिया गया तब उनकी संख्या केवल 20-25 थी। तो वो बाकी के 20-25 कहाँ गए? तो मुझे लगता है कि वो शायद उन्होंने गाँव में कहीं भ्रमण किया और फिर वो चीजें क्रांति के विषय में चर्चाएं की। इसी बीच इसी अप्रैल की घटना एक और है, महत्वपूर्ण घटना है, जो दो नाम है, एक तो नाना साहब है, दूसरे अजीमुल्ला साहब। वो दोनों मेरठ आते, मेरठ आकर के हमारा ये मानना है कि वो इन साधु से मिलते हैं। और जब 23 अप्रैल को एक और घटना घटित होती है कि मेरठ में कुछ सैनिक, उसमें हिंदू भी हैं उसमें मुसलमान भी हैं, ये कोई एक्चुअली हिंदू मुसलमान हम बांटते हैं, वो बेसिकली भारतीय है, और वो एक प्रण लेते हैं कि हम एक कारतूस है जिसमें एक ग्रीस प्रयोग किया गया है, चर्बी प्रयोग की गई है जिसमें गाय और सुअर की चर्बी है, और क्योंकि नई एक इनफील्ड राइफल का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था, प्रारंभ किया था, और उसमें उस कारतूस का प्रयोग करने से पहले उसे मुंह से छीलना पड़ा, तो कहते हैं कि उसमें जो चर्बी थी वो गाय की थी और सुअर की थी, इसलिए हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने उसको प्रयोग करने से मना। तो ये 23 अप्रैल की मेरठ की घटना है, कैंट की। वो जो सैनिक है, भारतीय सैनिक, वो मना करते हैं कि वो प्रण ले लेते हैं, गंगा जल की कसम खाते हैं, लोग कुरान की कसम खाते हैं कि वो इस तरह की कारतूस का प्रयोग नहीं करें। ये बात जो है, जो तीसरी अश्वारोही सेना का जो कमांडर है कारमाइकल स्मिथ, उसके पास जाती है और वो बुलाता है अपने सूबेदार को, कहता है कि भाई देखो ये जो राइफल है नहीं, इसमें जो कारतूस है इसका प्रयोग करने के लिए इसे मुंह से नहीं छीलना पड़ता। वो बताता है, कहता है देखो इसमें लोड करते हैं, ऐसे चला देते हैं और कल मैं जो है परेड बुलाऊंगा और सब सैनिकों को इसका प्रयोग करना है, तुम्हें ये कहना। तो कहता है कि 24 अप्रैल को परेड बुलाई जाती है। जब परेड बुलाई जाती है तो वो 90 सैनिक होते हैं जो तीसरी अश्वारोही सेना के सैनिक होते हैं। तो उनसे कहा जाता है कि भाई आप इस कारतूस का प्रयोग करो, जैसा कि कर्नल माइकल स्मिथ ने कहा था कि भाई वो मुंह से छीलना नहीं पड़ता, आपको छीलना नहीं पड़ेगा। तो पहला जो सैनिक होता है उसे कारतूस दिया जाता है, तो वो कहता है कि नहीं साहब, वो दूसरे को पास कर देता है कि भाई तुम प्रयोग करो। दूसरा जो है वो भी मना कर देता है, दोनों अली होते हैं, वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि अगर सब प्रयोग करेंगे तो हम प्रयोग करें। तो उन 90 में से 85 मना कर देते हैं, केवल 5 ऐसे होते हैं जो मना नहीं करते। तो जो अंग्रेज अधिकारी है वो उन सैनिकों से कहता है कि शायद आप ये नहीं समझते कि अगर आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मिलिट्री में आपके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा देखिए कोई भी कार्रवाई कर लो, परंतु धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, धर्म सबसे बड़ा है और हमारे धर्म में ये मान्यता नहीं है। कहने लगे इसे मुंह से नहीं छीलना, उनको आप किसी से छीलना, हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसका प्रण ले चुके हैं, चाहे आप कुछ भी करें। तो कहते हैं कि उन 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल किया जाता है और 6-7-8 मई उनका कोर्ट मार्शल होता है, और कोर्ट मार्शल केवल फॉर्मेलिटी होती है, कोई उसमें उनको नहीं सुना जाता, 85 सैनिकों को नहीं सुना जाता, केवल एक तरफा फरमान में जारी कर दिया जाता और 10 वर्ष का उन्हें सश्रम कारावास दिया जाता। अब 9 मई आ जाता है। देखिए 9 मई की जो घटना है वो उन सैनिकों को, जो 85 सैनिक हैं, एक परेड ग्राउंड है, अगर आज आप मेरठ कैंट में जाएं तो एक तरफ सेंट जॉन चर्च है, एक तरफ सेमेट्री है, उसके बीच में वो परेड, तो वहां उन 85 सैनिक को 9 मई को बुलाया जाता है। उनकी चूंकि वर्दियां फाड़ दी जाती हैं, उनके चारों तरफ अन्य भारतीय सैनिक खड़े किए जाते हैं, फिर उनके पीछे अंग्रेज सैनिक हथियारों के साथ, राइफल्स के साथ खेले जाते हैं, तोपे वहां लगा दी जाती है, और लोहार बुलाया जाता है, क्योंकि उस समय जो हथकड़ियां थी और जो बेड़ियां थी वो चाबी वाली नहीं थी, लोहार उनको ठोक करके पहनाते। तो कहते हैं कि उनको वहां बेड़ियां पहनाई जाती हैं, उनकी वर्दी फाड़ दी जाती है, और आप कल्पना करके देखिए, जो सैनिक सेना में अपनी सेवा दे रहा होता है और उसकी अगर वर्दी फाड़ दी जाए तो उसका, उसके मन पर क्या गुजरी। तो उनकी वर्दी फाड़ी जाती है, वो चिल्लाते हैं, वो अपने साथियों से कहते हैं कि देखो कितना अपमान हो रहा, कैसा अपमान हो रहा है आज सैनिक का कि उसकी वर्दी फाड़ दी। परंतु वो जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो वहां खड़े थे, वो असहाय थे, क्योंकि उनके पीछे वो निहत्ते थे भारतीय सैनिक, और उनके पीछे सशस्त्र ब्रिटिश की सेना खड़ी थी और तोपे लगी हुई थी। वो कर्नल जो इसमें था उसको गालियां भी देते कि तुम हमारे साथ ये गलत कर रहे हो, परंतु कुछ नहीं सुना जाता 9 मई को, और उनके साथ बेड़ियां उनके हाथों में और पैरों में
हथकड़ियां और बेड़ियां दोनों बांध दी जाती हैं और फिर उन्हें 9 मई को वहां से विक्टोरिया पार्क, जहां जहां विक्टोरिया पार्क देखते हैं वहां जेल थी, नई जेल बनाई गई थी, उसके अंदर ले जा करके 9 मई को बंद कर। तो ये एक वातावरण मेरठ में तैयार हुआ उस कारतूस के कारण। परंतु इस कारतूस को लेकर के मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कारतूस की बात है कि अक्सर जो विदेशी इतिहासकार हैं, विशेष रूप से जो ब्रिटिशर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस ये क्रांति नहीं है, हम तो क्रांति कहते हैं, वो कहते हैं ये तो सैनिकों का विद्रोह है। और सैनिकों ने, क्योंकि उस कार्टेज का विरोध करना था इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। परंतु मैं ये कहता हूं कि ये कारतूस जिसमें ये कहा गया कि गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, ये केवल और केवल एक बहाना। क्यों? क्योंकि जब 10 मई को क्रांति प्रारंभ होती है तो यही सैनिक जो मना कर रहे होते हैं उस कारतूस का प्रयोग करने के लिए, वो उस कारतूस का प्रयोग अंग्रेजों के विरुद्ध करते हैं। इसका मतलब कि कारतूस तो एक बहाना था अंग्रेजों को भारत से भगाना था, असली उद्देश्य मेरे हिसाब से ये। तो उन लोगों को यह समझना चाहिए कि हमें मुद्दा चाहिए होता है तो एक मुद्दा था हमारे पास उस समय कारतूस। तो खैर, मैंने यहां ये बात स्पष्ट की। अब होता क्या है 10 मई को, 10 मई को जैसे इस साल भी 10 मई को संडे था और 1857 में भी 10 मई को रविवार था। ये जो रविवार की छुट्टी है ये ब्रिटिशर्स ने हमें दी है और हम आज तक उसे चलाते आ रहे हैं। तो उस दिन छुट्टी का दिन था, अंग्रेज बड़े अपने रिलैक्स मूड में थे, परंतु जो मेरठ है और मेरठ के आसपास के लोग हैं वो रिलैक्स नहीं थे। वहां एक अफवाह, नहीं कहूंगा मैं उसे, सच्ची बात, वो चारों तरफ सूचना उसे कहूंगा राउंड में, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, लोगों से, लोगों के माध्यम से सूचना ही जाती। एक सूचना का तंत्र पूरे मेरठ में और आसपास के गांव में फैल रहा कि होने क्या वाला है। ये होने वाला है कि भारतीय सैनिकों के शस्त्र छीन लिए जाए, ये होने वाला है कि उन 85 सैनिकों को जिन्हें बंद कर दिया गया है उसके बाद जो अन्य भारतीय सैनिक हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की एक सूचनाएं पूरे मेरठ में और पूरे छावनी में फैल गई। अंग्रेज भी थोड़े इससे भयभीत थे कहीं ना कहीं, परंतु वो शायद उस बात को समझ नहीं पाए। अब देखिए आप, एक बात और अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं जो उसे सैनिक विद्रोह बता, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं आज डॉक्टर रविंद्र राणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि अगर ये सैनिकों का केवल विद्रोह था तो मेरठ की एक घटना है जिसको मेरठ की किंवदंती भी कहते हैं, किंवदंती तो नहीं है वो, सत्य घटना है, क्योंकि एक अंग्रेज इतिहासकार हैं के जिन्होंने किताब लिखी है, बड़ी फेमस किताब है इंडियन म्यूटिनी, वो लिखी है, उसमें भी उसने जिक्र किया। वो क्या है, वो बात क्या है, वो घटना क्या है कि मेरठ का सदर बाजार था, सदर आज भी है सदर, उस सदर में एक मोहल्ला है जिसका नाम आज भी ढोलकी मोहल्ला है। ढोलकी क्यों? निश्चित रूप से वहां ढोलक बजती। आप जानते हैं कि जितने भी कैंट होते थे उसके आसपास जो है रेड लाइट एरिया होते थे, वहां वैश्याएं थी, तो वो नृत्य का काम करती थी, ढोलक बजती थी। तो 10 मई की शाम को 5:30 बजे के करीब या 4:30 बजे का समय होगा, इस समय हम ये वार्ता कर रहे हैं, इस समय का समय होगा, वो भारतीय कुछ सैनिक उस ढोलकी मोहल्ले में जाते हैं, गुजर रहे होते हैं। तो वो जो वैश्याएं हैं, वो जो नृत्यांगनाएं हैं, वो जो नाचने वाली हैं, जिनको शायद हम भारतीय समाज के लोग समाज के सबसे अंतिम छोर पर, वो ताने मारती हैं। किसके ताने मारती हैं? वो उन भारतीय सिपाहियों को ताने मारती हैं जो वहां से गुजर रहे थे। वो उनसे कहती कि तुम यहां इन बाजारों में घूम रहे हो और तुम्हारे सैनिकों, तुम्हारे भाइयों के साथ ये अंग्रेज कितना बुरा अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनके ऊपर चूड़ियां फेंक दी। तो अब आप मुझे ये बताइए, सोच करके समझ करके, कि एक समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़ी हुई महिला भी अगर उस 10 मई के दिन उत्तेजित है तो क्या वो सैनिक है? वो तो भारतीय समाज की एक सबसे कमजोर कड़ी है, वो भी शायद अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रही है। और देखिए कितनी हकीकत है कि उसी महिला की आवाज ने एक चिंगारी का काम किया और उन सिपाहियों के तन और बदन में आग लग गई, क्योंकि उनके भीतर मन में तो आग थी ही, पहले से ही थी, और वो आग लगी। और उस आग लगने का परिणाम ये हुआ कि 10 मई को शाम को 6 बजे मेरठ में सदर बाजार में क्रांति प्रारंभ। उसमें केवल सैनिक नहीं, मेरठ के लोग भी शामिल,
जो भी लोग थे, जिसको जो मिला, जो हाथ में आया लेकर चल पड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बज गया। वो क्रांति थी, जबरदस्त क्रांति थी। हम लोगों ने 10 मई, आपका कहना है कि 10 मई एक सैनिक विद्रोह नहीं था जैसा अंग्रेजों ने उसको बताने की कोशिश की, वो एक भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की पहली ऐसी जंग थी जिसमें न केवल सैनिक शामिल हुए बल्कि उसमें समाज के आखिरी छोर पर खड़ी हुई महिलाएं, किसान, आसपास के गांवों के लोग जाति और धर्म का भेद भूल करके शामिल हुए। इन सारे किस्से और कहानियों पर हम बात करेंगे आपसे, एक एक एपिसोड में बात करेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांवों में बिखरी हुई क्रांति गाथाओं पर बात करेंगे एक एक एपिसोड के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप आज की इस बातचीत को यहाँ समेटने की कोशिश करें ताकि हम अगले कुछ एपिसोड्स तैयार करें जिनमें हम अपने मित्रों को, दर्शकों को और श्रोताओं को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को उन किस्सों और कहानियों तक ले जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा तो कहना, जैसे मैंने कहा कि ये कोई ऐसी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में केवल एक क्रांति, केवल एक क्रांति, इसके अलावा कोई क्रांति नहीं। हमने किसी भी अपनी जो भी हमने आंदोलन चलाया, हमने आंदोलन कहा, चाहे हमने 1920 में चलाया, चाहे 1942 में चलाया, पर केवल एक क्रांति है, वो 1857 की क्रांति। और उसकी जो खूबसूरती है, जिन 85 सैनिकों की मैंने बात की, वो 85 सैनिक कौन है? उनके नाम आज हमने मेरठ के कई जगह हमने स्थापित किए हैं, उनके नामों को पढ़ने की आवश्यकता है, उनके नामों को जपने की आवश्यकता है। और वो क्या है? वो इस भारत का सच्चा मानचित्र है, वो इस भारत का सच्चा दर्पण है, क्योंकि उसमें 50% हिंदू हैं और 50% मुसलमान हैं। यानी कि इस देश ने मिल करके, मैं कहूं कि अगर भारतीयों ने भारत के बाहर के लोगों को, जो इस देश पर शासन कर रहे थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की थी, मिल करके एक आजादी की लड़ाई लड़ी, और वो 1857 की क्रांति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर देश के वासी को, नौजवान को, बुजुर्ग को शायद पढ़ना चाहिए, अगर इतिहास का कोई अध्याय, तो सबसे पहले वो 1857 की क्रांति है जिसे मेरठ ने पढ़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसे हमें सब लोगों को समझना। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार ढंग से शुरुआती दौर की कहानी बताई। हम आपसे अगले कुछ एपिसोड्स में मिलेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, एक एक गांव की कहानी पर बात करेंगे, एक एक सैनिक की कहानी पर बात करेंगे, वो जो 85 सैनिक हैं, वो किस पृष्ठभूमि से आते थे, वो कौन थे, उन्होंने कैसे इतना बड़ा काम शुरू किया, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।